हे फ्रेंड्स, इस दीपक एंड यू वाचिंग एलएलबी जंक्शन। दोस्तों, मेरे इस चैनल एलएलबी जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास अक्सर बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हुए हैं पिछले वीडियोस में, उसमें पूछा गया सब्सक्राइबर के द्वारा सवाल ये है कि जो लॉ की पढ़ाई होती है वो कैसी होती है, उसमें किस स्ट्रीम से पास करना जरूरी होता है ताकि हम लॉ की पढ़ाई कर सकें। क्या साइंस वाले लॉ कर सकते हैं, क्या आर्ट्स वाले लॉ कर सकते हैं, या फिर कॉमर्स वाले लॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ लॉ की जो पढ़ाई की प्रक्रिया है वो क्या है, और क्या उसके लिए एक अर्हता है या जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होता है। इसके साथ बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो एलएलबी कर सकते हैं और लॉयर बन सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि एलएलबी की जो पढ़ाई होती है वो कैसी होती है, क्या क्या उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से स्ट्रीम होते हैं एलएलबी करने के लिए, क्या साइंस वाले ही सिर्फ लॉ कर सकते हैं, क्या आर्ट्स वाले ही सिर्फ लॉ कर सकते हैं, या फिर कॉमर्स वाले ही सिर्फ लॉ कर सकते हैं। बस इसी चीज को आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस किस प्रकार के जो लोग हैं उनको लॉ में एडमिशन लेना चाहिए और इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आप में क्रिएटिव माइंड है, आपके पास क्रिएटिविटी है, आपको पढ़ने की इच्छा है, अगर आप क्रिएटिविटी रखते हैं, किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करने की हमेशा इच्छा रखते हैं, तो ये सेक्टर आपके लिए है। साथ ही साथ आप में तर्क शक्ति होनी चाहिए, यानी तार्किक शक्ति होनी चाहिए किसी भी मैटर को डील करने के लिए, यानी आपको प्रोज और कॉन्स, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप में इस प्रकार की क्वालिटी है तो आप एक अच्छे लॉयर बनने के अधिकारी हैं और आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि एलएलबी करना बड़ी बात नहीं है, एक अच्छा लॉयर बनना बड़ी बात है। आप एलएलबी करके डिग्री तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो जो रियल वे ऑफ लैंग्वेज होता है लॉयर्स का, जो डील करने की जो शक्ति होती है, आप अच्छा एक्सपर्ट लॉयर तभी बन सकते हैं जब आप में क्रिएटिविटी होगी। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ कि इसमें एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है और किस स्ट्रीम के लोग लॉयर बन सकते हैं। दोस्तों, जहां तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है और आपको अगर आप एलएलबी करना चाहे तो एलएलबी करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो कम से कम आपको 12 पास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे आपके सामने दो प्रकार के कोर्स है, 3 साल का कोर्स है एक, और एक है 5 साल का कोर्स। 5 साल का जो कोर्स है वो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो इंटरमीडिएट के बाद किया जा सकता है। अगर आप 3 साल वाले कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएट होना मस्ट है। दोस्तों, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि एलएलबी करने की प्रक्रिया क्या है। तो आप 2 प्रकार से एलएलबी में दाखिला ले सकते हैं, चाहे तो आप क्लैट के माध्यम से या फिर एनस्लैट के माध्यम से आप एलएलबी में दाखिला ले सकते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो दोस्तों जुलाई से लेकर अगस्त के महीने के बीच में इसका एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस टेस्ट। दूसरा माध्यम है दोस्तों एनस्लेट के माध्यम से, इंडिविजुअल कॉलेजेस अपना एनस्लेट के माध्यम से कॉलेज में दाखिला लेती है, आप उसके माध्यम से एंट्रेंस टेस्ट देकर भी आप उस कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। फिर चाहे वो कोर्स 3 साल का हो या फिर 5 साल का हो, दोनों कोर्सों में दाखिला लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप उस कॉलेज में दाखिला ले सकेंगे। दोस्तों, एलएलबी में दाखिला लेने के बाद अपने कोर्स के साथ साथ आपको मूट कोर्स का सहारा लेना पड़ता है। वहां पे आप आर्टिफिशियल कोर्स के साथ रहते हैं जिसके साथ ही आप वहां एक्सपीरियंस को गेन कर पाते हो। एक्सपीरियंस आपको रियल कोर्ट में काम आता है। जब आपका 3 वर्षीय या 5 वर्षीय कोर्स खत्म हो जाता है, तब आप अपने स्टेट में, यानी आप जहां पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहां के स्टेट बार एसोसिएशन में जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसकी फी अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित की गई है। लगभग 20 से 25 साल रजिस्ट्रेशन फी होती है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 2 साल के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जब आपको 2 साल के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उस बीच में आपको ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। उस एग्जामिनेशन को पास करने के बाद आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप भविष्य में प्रैक्टिस कर सको। दोस्तों, 2010 के पहले ऑल इंडिया एंट्रेंस बार एग्जामिनेशन का प्रोविजन नहीं था, यानी 2010 से पहले जो लॉ स्टूडेंट पास आउट है उनको एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता था, लेकिन 2010 के बाद जो लॉ स्टूडेंट पास आउट है उन सभी स्टूडेंट को इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने के बाद आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी आपका ओरिजिनल इनरोल सर्टिफिकेट जो आपने स्टेट बार काउंसिल में कराया हुआ है, वो आपको दे दिया जाता है ताकि भविष्य में आपको प्रैक्टिस करने की पूर्ण रूप से आजादी हो। जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है और आप इनरोल भी स्टेट बार काउंसिल में कर लेते हैं, तब जाके आपको
कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए छूट मिल जाते हैं। आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए किसी सीनियर के अंडर काम कर सकते हैं ताकि आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सको। दोस्तों अगर किसी सीनियर के अंडर आप काम करते हैं तो वहां से आपको लोग पहचानने लगेंगे और धीरे धीरे आप अपना क्लाइंट बेस बना सकोगे। दोस्तों ये हुई आपके इंडिविजुअल प्रैक्टिस की बात, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हो तो बहुत सारे लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना प्लेसमेंट खुद देती है, वहां से बहुत सारी कंपनी आपको हायर करती है और आप उस कंपनी के लॉयर बन जाते हो। दोस्तों लॉ एग्जामिनेशन पास करने के बाद आपके पास बहुत सारे स्कोप खुल जा सकते हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जज के रूप में काम कर सकते हैं, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में पीपी के रूप में काम कर सकते हैं, एडिशनल पीपी के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हायर जुडिशरी में जाना चाहते हैं आप एडीजे के रूप में भी काम कर सकते हैं। उसके लिए अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, उसको आपको पास करना जरूरी होता है। उस एग्जामिनेशन को पास करने के बाद आप हायर अथॉरिटी के रूप में पदस्थापित हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट में ये जरूर लिखें कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय भारत, जय हिंद।